इमाम शाफिई रहमहुल्लाह ताला इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला के पास गए कि मैं फलां किताब आपसे पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा मेरे अजीज मैं किताब तो आपको पढ़ाऊंगा लेकिन अलमिया यह है कि मेरे पास वक्त ही नहीं है क्योंकि इस किताब की कोई क्लास नहीं है, अकेले आपके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। पूरा टाइम टेबल दिया, कहा इसमें मुझे बताओ कौन सा वक्त है, कोई वक्त नहीं है। तो इमाम शाफी ने पूछा कि हां एक वक्त नजर आता है पूरा नक्शा देखकर, कहा जी वो कौन सा, कहा जब आप इस मस्जिद में दर्स देकर निकलते हैं तो वो इतने फासले पर घंटा लगता है आपको तो दूसरे मरकज में आप पहुंचते हैं, तो ये जो वक्त है दरमियान में सफर का तो इस वक्त में तो मैं आपसे इस्तफादा कर सकता हूं। तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया हां इस्तफादा तो कर सकते हो लेकिन अलमिया यह है कि जो मेरी सवारी है बड़ी कमजोर सी है, वो बड़ी मुश्किल से मेरा बोझ उठाती है, तुम्हें बैठाकर वो उठ ही नहीं चली नहीं सकेगा वो। उसने कहा उस्ताद इसकी फिक्र नहीं, आप सवारी पे बैठे मैं आपके साथ पैदल चलूंगा, आप पढ़ाते जाएं मैं दौड़ता जाऊंगा और पढ़ता जाऊंगा। अल्लाह आप सवारी पे बैठे आप सिर्फ पढ़ाते जाए मैं साथ साथ दौड़ता जाऊंगा। आपने उस मजमून को इस दौरान में इस सफर के दौरान में आपने सारे का सारा सफर किया और इस सफर के दौरान में आपने अपने शहर से इस्तेफादा कर दी। ये वो लोग थे जिनके पास वक्त की कदर थी, जिन्होंने वक्त को बाकायदगी के साथ दुनिया की दौलत समझकर इस्तेमाल किया और आज हम वक्त को जाया कर रहे हैं बेजिगरी के साथ लापरवाही के साथ। याद रखो अपने वक्त को, सबसे पहली बात यह है जिस चीज की अहमियत नहीं होती उसकी परवाह नहीं होती। पैसे की अहमियत है तो ये अंदर कोई दसवीं जेब में होंगे, एक वास्काट दुई अंदर कुर्ता उस अंदर जिप जिप अंदर जनाब जड़ा ना वो मुमी लफाफा लफाफे अंदर जनाब रबड़ उस अंदर फिर पैसे निकल सकते। क्यों? इसलिए कि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसी तरह अगर वक्त की अहमियत का हमें एहसास हो जाए कि वक्त कितना कीमती है, ये जो सांसें हमें मिली हैं, ये जो फरागत मिली है, ये जो आसानी मिली है, ये जो अल्लाह ने इत्मीनान दिया है, सेहत दी है, आफियत दी है, इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा याद रखना इसके लिए सबसे अहम चीज दुआ है कि अल्लाह रोजाना सारे बड़े बूढ़े छोटे अल्लाह से दुआ करें ए अल्लाह हमारा वक्त जाया ना हो जाए, बेमकसद जाया ना हो जाए। सब आमीन कह दो। ये रोजाना अपनी दुआ का मामूल बनाए कि अल्लाह हमारा वक्त जाया ना हो। फिर वक्त का एक टाइम टेबल बन जाए कि जी इतनी देर सोना है, इतनी देर खाना है, इतनी देर जो है वो हमने मुताला करना है, इतनी देर खेलना है, इतनी देर एक्सरसाइज करनी है, इतनी देर सैर करनी है, वॉक करनी है। ठीक है, वक्त तो इस्तेमाल हो रहा है लेकिन अगर वक्त का कत्लेआम किया जाए बेहुदा फिल्मों में, बेमकसद लायानी गुफ्तगू में, गीबतों में, बोहतानों में, इल्जामों में, तो वो वक्त तो जाया हो गया। और जब नशीत हो तो दो सजदे दे दिए, कुरान करीम की तिलावत कर दी
اور یہ تسبیح ہاتھ میں رکھنا، یہ نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے نہ یہ سنت ہے، یہ صرف مذکرہ ہے، مذکرہ اس کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو زبان قدرتی چلنا شروع ہو جاتی ہے، آٹومیٹک، یہ اس کی خاصیت ہے۔ اچھا خاصا ذکر کرنے والا آدمی اگر ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے تو وہ کسی اور میں ہوگا، نہیں ہوگا، تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو ذکر شروع ہو جائے۔ تو لہذا سفر کرتے ہیں، گھر سے آتے ہیں جاتے ہیں تو اس میں تسبیح، سفر کرتے ہیں یہاں سے پنڈی کتنا وقت ہے، تو ہر آدمی کے پاس تسبیح اپنی ہو، ذکر میں لگا ہوا ہو،